कुरला वर्मा सेल इंदिरा नगर नंबर 2 में कायदे को ताक पर रखकर गरीब झोपड़ी धारकों के घरों पर रेलवे द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई। बेघर और लाचार झोपड़ी धारकों को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट रत्नाकर डावरे ने झोपड़ी धारकों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आइए ऐसे दिग्गज एडवोकेट डावरे वकील जो MIM से ताल्लुक रखते हैं और भारी बहुजन जो पार्टी है कहीं ना कहीं दोनों की ताकत अजीक हो चुकी है। आइए ऐसे एडवोकेट डावरे जी से हम जानेंगे कि लोग उनके दरबार पर आकर उनसे मदद की गुहार लगा रहे, क्या लोगों को मदद न्याय इंसाफ दिला पाएंगे, हम उनसे जानेंगे। डावरे जी, जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद, लोगों का भरोसा आपके ऊपर है, आपके ऊपर यानी MIM के ऊपर है, तो क्या MIM पार्टी या आप उनको न्याय दिलाने में सक्षम रहेंगे, क्या इंसाफ उन्हें मिलेगा? डेफिनेटली उनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास एक सर्वे पावती है, 2000 के सर्वे पावती है, ये गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया है, GR निकाला है, GR निकालने के बावजूद ये रेलवे प्रशासन तोड़क कार्रवाई करती है, बेकायदेशीर कार्रवाई कर रही है। मैं खुद वकील हूँ और वकील होने के नाते दूसरी बात, मैं एक समाज सेवक हूँ और ये वकील और समाज सेवक दोनों मिलके मैं यहाँ पे जितने भी लोगों का झोपड़ा तोड़ा है उनको एक तो शिफ्टिंग दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा, नहीं तो वही उनका घर बांधने के लिए मैं रेलवे प्रशासन को मजबूर करूंगा, कानूनी कार्रवाई मैं लास्ट तक लड़ूंगा, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं ये कानूनी कार्रवाई करता रहूंगा। क्या उनके पास पेपर है, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स है? डेफिनेटली उनके पास पेपर है, अभी देखो मेरे पास सर्वे पावती है, ये 2000 की सर्वे पावती है, अगर 2000 की सर्वे पावती होने के बावजूद वो लोग अगर ये तोड़ते हैं, प्रोटेक्शन देने के बावजूद अगर ये तोड़ते हैं तो ये बेकायदेशीर है, ये इनके ऊपर अन्याय हो रहा है। तो इनके पास इलेक्शन कार्ड है, इनके पास रेशन कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट होने के बावजूद वो लोग जो तोड़क कार्रवाई किए, आज ये गोर गरीब लोग, बेसहारा लोग आज रस्ते पे सो रहे हैं, उनकी क्या हालत है, छोटे छोटे बच्चे है, कोई अपाहिज लड़की है, और इनके क्या हाल है मैं समझ सकता हूँ, और मैं उनको न्याय दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और मैं उनको न्याय दिलाऊंगा। मैं जिस तरह से आपने देखा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स है और पुराने डॉक्यूमेंट्स है और ये कई सालों से वहाँ पर रहते हैं, लेकिन क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? कैमरा नागेश के साथ स्टीवन जॉन, STV न्यूज, मुंबई। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।